कौशल विकास विभाग का साझा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जाए। नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा मित्र से शिवम बात कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेवा मित्र का यूज बताऊंगा एज अ स्किल्ड वर्कर। यदि आप किसी काम में कुशल हैं, निपुण हैं, लाइक आप इलेक्ट्रीशियन का वर्क जानते हैं, प्लम्बर का वर्क जानते हैं, कारपेंटर का वर्क जानते हैं, या फिर आप ड्राइविंग में निपुण हैं, आपको सैंपल कलेक्ट करना आता है, या फिर आपको टेलरिंग का वर्क आता है, आप सलून का वर्क जानते हैं, या फिर आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया है, ITI किया है, डिप्लोमा किया है, और साथ ही साथ आपके पास उस स्किल का एक सर्टिफिकेट उपलब्ध है, तो आप सेवा मित्र पर स्किल वर्कर रजिस्ट्रेशन कराने के योग्य हैं। सेवा मित्र पर स्किल वर्कर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सर्वप्रथम आपको अपना एक ब्राउजर ओपन करना होगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट sevamitra.up.gov.in को सर्च करना होगा। वेबसाइट को सर्च करने के बाद इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार शो होगा। राइट साइड आपको स्किल्ड वर्कर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। स्किल्ड वर्कर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड कुछ डिटेल्स शो हो रही होंगी, आपको इसमें अपनी सभी डिटेल्स को फिल करना होगा। लाइक आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपको उस स्किल का कितने साल का एक्सपीरियंस है, मींस आप ड्राइविंग करना जानते हैं तो आपको कितने साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस यहां पर टाइप करना होगा। एक्सपीरियंस को टाइप करने के बाद आपके अंदर कौन सी कुशलता है, आप किस में निपुण हैं, आपको वो कुशलता यहाँ पर से सिलेक्ट करनी होगी। कुशलता को सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, आप जिस जिले के रहने वाले हैं वो जिला आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना होगा। डिटेल फिल बाय में आपको सेल्फ को सिलेक्ट करना होगा। After that, आप में जो भी कुशलता है या फिर आपको उस कुशलता कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसमें से आपको एक प्रमाण पत्र यहाँ पर से अटैच करना होगा। आप यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं और आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। तो अटैच करने के लिए आपको स्किल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपने जिस फोल्डर में अपना वो डॉक्यूमेंट रखा है, उस डॉक्यूमेंट को आपको सिंपली से यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट आपका वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सभी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली से अपना कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चर को फिल करने के बाद आपको सबमिट डिटेल का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। सभी डिटेल्स को सबमिट करने के बाद सक्सेस, थैंक यू फॉर योर रजिस्टर, प्लीज वैलिडेट OTP। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, आपको उस OTP को यहां पर टाइप करना होगा। वेरीफाई OTP, आपके नंबर पर जो भी OTP आई है आपको यहाँ पर टाइप करके वैलिडेट OTP का ऑप्शन हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। OTP को टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट सक्सेस, थैंक यू, कॉन्टेक्ट इन्फो सेव सक्सेसफुली, वी विल गेट बैक टू यू सून। अपनी सभी डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद अब आपका डेटा UP गवर्नमेंट के पोर्टल पर सेव हो जाता है और आपकी सभी डिटेल्स गवर्नमेंट के माध्यम से वेरीफाई की जाती है। आफ्टर वेरिफिकेशन गवर्नमेंट आपकी कुशलता के अनुसार सेवा मित्र के लिए आपको अप्रोच करेगी। अब आपकी समस्या और समाधान के बीच है सिर्फ एक कॉल की दूरी, 155-330। आपकी एक कॉल पर सेवा मित्र आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sevamitra.up.gov.in पर विजिट करें या हमारे ऐप सेवा मित्र को अभी डाउनलोड करें। कौशल को मिला काम, जन सामान्य को आराम। श्रम एवं सेवा योजन विभाग तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का साझा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।